हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 24 स्टडी सेंटर के माध्यम से आप लोग हर एक वैकेंसी का अपडेट मिलता है सबसे पहले। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले इस चैनल को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन, वो जो छतरी है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग को कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वैकेंसी जो है वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा थंबनेल से। बिहार माइनिंग डेवलपमेंट में निकला है। माइनिंग डेवलपमेंट क्या है, तो खनन विभाग में निकला है वैकेंसी। ठीक है, तो टोटल पोस्ट 20 है। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा आप लोग का, उसका सिलेबस क्या है, उसका सैलरी क्या रहेगा, उसका एग्ज़ाम कब होगा, कब तक फॉर्म लास्ट डेट पड़ेगा, वो सब मैं बताऊँगा इसका। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के द्वारा ये वैकेंसी दिया गया है। ये बहुत ही ग्लैमरस पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, ये जो है खनन एवं भूतत्व विभाग में वैकेंसी है। चलिए दोस्तों, मैं इसके एक एक करके डिस्कशन करूंगा, इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन आदमी इस पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे मैं एक एक करके डिस्कशन कर देता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो PDF है वो मैं आप लोग को मेरा एक डिस्क्रिप्टिव में एक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाके उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को हर एक पल का नोटिफिकेशन उस पर PDF के थ्रू दिया जाता है। वैसे आपको PDF मिलेगा नहीं, PDF क्योंकि टेलीग्राम पे ही ओनली मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, पहले जनरल कर देते था, बट अब टेलीग्राम पे करता हूँ, इसीलिए आप वीडियो को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का PDF मिल जाएगा आपको, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी है। वो जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, वो कितना पोस्ट, 20 पोस्ट के लिए निकाला गया है दोस्तों। ठीक है, ये जो है वो भारतीय उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आज से ही शुरू हो गई है। ठीक है, तो वो उसका वेबसाइट है www.bpsa.bihar.nic.com पर भी आप लोग देख सकते हैं जाके, निकल गया वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए उसमें कौन कितना कितना सीट है दोस्तों। इसमें इसका जो सीट है वो अनुसूचित वर्ग के लिए 8 है, महिला के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 4 है, महिला के लिए 1 है। ठीक है, यानी टोटल पोस्ट जो है वो देख रहे हैं 20 है। ठीक है, टोटल पोस्ट 20 है। ठीक है, इसमें जो है वो नाना पोता दादी जो वो है उसके लिए पोस्ट नहीं है, जो मतलब फोर्स तोर्स में थे उनके लिए वो पोस्ट कोई नहीं है इसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी जो है वो देख लेते हैं। उसमें दिया गया दिव्यांग अधिकारी जो है अलोक से निरस्त उम्मीदवार के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या है। ठीक है, मुखबाधिर और DD है जो VI दृष्टिबाधित है उस सब के लिए भी है कुछ है। ठीक है, आप चलिए इसके लिए सबसे मेन बात, इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, कौन आदमी भर सकता है, जो क्लास MSc किया होइएगा जियोलॉजी से। ठीक है, या अप्लाइड जियोलॉजी या MTech किया होइएगा इससे, जियोलॉजी सब्जेक्ट से, उसके लिए। और दूसरा वो जो माइनिंग इंजीनियरिंग किए होइएगा उनके लिए ये पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। ठीक है, चलिए तो मैं अब आगे बात करता हूँ आप लोग को। ठीक है, इसके बाद इसकी उम्र सीमा जो है वो आप देख रहे हैं, 21 साल से जिनका हो गया होगा वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और मैक्सिमम 37 वर्ष तक है। उसके जो आरक्षण है उनके 2-4 वर्ष जो है वो दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह है प्रशासनिक सुधार बिहार के संगठन। ठीक है, बिहार सरकार सरकारी सेवक के आयु सीमा की छूट जो वो दवा करता है वो दिया गया। चलिए दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न आप जान लीजिए कैसे कैसे हो। इसका एग्जाम पैटर्न 100 नंबर का पैटर्न एग्जाम होगा, 1.5 घंटा एग्जाम रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट एग्जाम होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। ठीक है, टोटल अब उसमें देख लीजिए, मिनरल्स एंड डेवलपमेंट जो माइनिंग से किए होंगे उनको माइनिंग सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, और जो जियोलॉजी से किए होंगे उनको जियोलॉजी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो सारा मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है इसके लिए। ठीक है, वो मैं अलग से डिफरेंशिएट कर देगा। उसके बाद एक और है, वो साक्षात्कार 50 अंक के लिए अलग से होगा, यानी इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये दो बेसिस पे बनेगा, आपका रिटर्न एग्जाम जो होगा उससे, और ये साक्षात्कार अंक जो है 50% वो दोनों ऐड होकर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपको इस एग्जाम में जितना भी रिटर्न में आप जितना नंबर ले आइएगा उससे उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ग्लैमरस पोस्ट है। एक ये जैसे वीडियो का पोस्ट होता है ना, वो वीडियो का ही पोस्ट है एक्चुअली, वीडियो यानी उसको जो बोला जाता है। ठीक है, खनिज विकास पदाधिकारी BDO। ठीक है, वही पोस्ट है दोस्तों। चलिए तो मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की कॉलम जो है उसके आपको इसमें जो फॉर्म भरिएगा उसको आपको फॉर्म भरने के लिए मैक्सिमम कम से मिनिमम 3 दिन लगेगा। पहला दिन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके
जैसे आज मान लीजिए 5 बजे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप अगला दिन 5 बजे के बाद उसमें फी पेमेंट कर सकते हैं, उसके अगला दिन 5 दिन के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो इस फॉर्म भरने के लिए आपको 3 दिन चलेगा। तो बिहार सरकार ने एक रूल ही बना दिया है, जो कोई भी फॉर्म भराओ तो 3 दिन 4 दिन बच्चा को उलझा के रखो, फॉर्म भराओ, ठीक है, वो भी मैं बताऊँ। चलिए, रजिस्ट्रेशन इसका कब से शुरू हो गया, तो इसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है और 18/5 तक इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने की तिथि जो है वो 25/5 तक दिया गया है, 25 मई तक दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 2 तारीख 2/6 तक दिया गया, तो टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपको इसका PDF भी आपको देना पड़ेगा, जो इसमें डॉक्यूमेंट दीजिए, जैसे आपको मार्कशीट, SSC, जाति प्रमाण पत्र, जो सब इसमें दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, माइनिंग का डिग्री या ज्वेलॉजी का जो डिग्री की वो डिग्री, वो सारा PDF आपको वहाँ भेजना भी पड़ेगा बिहार सरकार के वेबसाइट पे, ठीक है, वहाँ जाके कुरियर के माध्यम से भेजना पड़ेगा। तो वो सारा डिस्कशन मैं बता देता हूँ दोस्तों, चलिए, ठीक है। और आप लोग को देख रहे हैं इस फॉर्म को जो भरा जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो प्रमाण पत्र है वो मैं बता ही दिया हूँ, जो आपको लगेगा बेसिक है वो सब लगेगा, ठीक है, योग्यता समझ जितना भी मैं सारा डिस्कशन में बता ही दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। और चलिए, जैसा कि आप लोग देखते हैं इस फॉर्म के, या तो आपको 2 सब्जेक्ट जो माइनिंग से किए होंगे वो भरेंगे, जियोलॉजी से, तो दोनों का वही विभाग होगा, 1.5 घंटा का एग्जाम है, जो माइनिंग से वो माइनिंग से क्वेश्चन पूछेगा, जियोलॉजी से किए होंगे उसको जियोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सी बात है। चलिए, तो और उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, इसमें जो है कुछ कुछ छूट भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग, ये वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ग्लैमर्स भर्ती है, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा, ठीक है, जो भी माइनिंग है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात एक बार देख लीजिएगा फॉर्म आप लोग, मैं PDF उस टेलीग्राम पर डाल दूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छा। और अभी तक आप लोग बेल चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। और हर एक अपडेट इसका, अगर हम लोग को इसका जैसे क्वेश्चन क्या है, कब पूछा गया है, उस सब का भी डिस्कशन कर दूंगा, तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको इसका क्वेश्चन का PDF मिलेगा, कट ऑफ मिल जाएगा पिछला बार का क्या रहेगा और क्या क्या पढ़ना है उसके लिए मैं भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू।